में फिट या रह जाते हैं, क्योंकि उसको अभी भी अपनी बॉडी में फुल पेन हो रहा था। तो फिर ना उसको घुसाते और फिर ना वो अपनी एक गहरी सांस लेते और फिर उसको एक बस स्टॉप पर छोड़ के वहाँ से चला जाता। और क्योंकि ज़ा ने पेन किलर्स और ली खाई नहीं थी और डॉक्टर ने भी इसको कुछ इंजेक्शन लगाए थे जिससे उसको पावर मिले, जिस एनर्जी मिले, जिसकी वजह से वो खड़ा हो सक रहा था। तो फिर वो घर आ जाता है और जब घर आता है तो नाइट का टाइम होता है। तो फिर जो ईवो होता है वो काउच में बैठा होता है और उसकी फैमिली जो उसके मदर फादर थे वो चले गए थे बिजनेस ट्रिप से बाहर। और जो इस वक्त मैंने जैसे आपको कौन का बताया था, आइकॉन का, कि वो गया था अपने यूनाइटेड स्टेट्स, तो इस वजह से वो भी यहाँ नहीं था। और जैसे ही जान कर आता है तो मैं कहता ओह तो तुम अब आ रहे हो, किसके साथ से, ज़रा बताना कितना इंजॉय किया तुमने। हाँ ये कह के ना वो ना जान का हाथ पकड़ लेता और देखता है कि ना वो काफ़ी ज़्यादा बर्न भी हुआ हुआ है और उसका हाथ बर्न हुआ हुआ है और उस पर काफ़ी ज़्यादा ब्रुजेज हैं और ना बैंडेज लगे। तो फिर ये देखिए क्या हुआ, तो फिर नजान ने अपना हाथ छुड़ा था, कहते मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ मेरा हाथ। तो फिर नजान जो ईप होता है वो अपना हाथ छोड़ देता है और फिर कहते हैं ये सब क्या हुआ। तो कहते हैं कि ना तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, तुम नहीं थका था, तुम्हारे फ्रेंड्स ने मेरे तुम्हारे सामने मुझे थका दिया था, ये बोलता है। और फिर ना वो ईबो ना जान की तरफ देखता है और फिर ना वहाँ से चला जाता है। तो फिर ना जान की आइज में फिर टीयर्स आ जाते हैं और उसके पास एक मेड आते, कहते हैं यंग मास्टर आप प्लीज़ डिनर कर ले। तो फिर ना जान कहते हैं मुझे नहीं खाना। तो फिर कहते हैं बट यंग मास्टर हमें रोज़ाना मैम को इन्फॉर्म करना होता है, अगर आप नहीं खाएंगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे। तो फिर जान की आई सांस लेते हुए कहते हैं तो हमेशा मदर का कह के मुझे हमेशा खाना खिलाती, कहते हैं कहना ये ज़रूरी है, ये मैं सिर्फ यहीं पे आपकी सिर्फ ये आपकी खाने का ख्याल करने के लिए यहीं पे हूँ, वरना मेरा तो कोई और काम है नहीं। तो फिर ना वो जो हुसाना वो घर सुन लेते हैं, उसके बाद फिर जाकर डिनर करते हैं और उसके बाद जाके अपने रूम में जाते हैं और अपने पेरेंट्स की फ़ोटो को पकड़ते और कहते हैं मैंने सब आपको पिक्चर्स में देखा है, इसके अलावा तो मुझे पता ही नहीं आप बोलते कैसे थे, आप रहते किस तरह थे और आप क्या कहते थे और क्या नहीं। उस तरह गहरी सांस लेते और अपने पेरेंट्स की पिक्चर को पकड़ के सो जाते। इस तरह 2 मंथ्स का और टाइम गुजर जाता है। लेकिन अब जो जान था वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, मतलब मेंटली भी, और उसके अब काफ़ी ज़्यादा ही उसके उस पर ब्रूजेस आ गए थे, जिससे देख के ना कोई हर कोई थोड़ा डरता भी था, क्योंकि जान की अब थोड़ी तबीयत ख़राब रहने लगी थी उसको ना। आज हम देखते हैं कि आज क्या होगा। तो फिर जो ईबो है वो उसी तरफ देख रहा होता है और कुछ अजीब तरीके से जो जान भी नोटिस करता है लेकिन कुछ कहता नहीं। और अचानक से ना वो उसको थोड़ा डिजी फील होता है। तो फिर वो टीचर के पास जाता है और कहते हैं कि ना टीचर मुझे ना डिजी फील हो रहा है, मैं क्या वो ऐसे बोलता है। और फिर अचानक से ना वहीं पर ना वो वोमिट कर देता है साइड पर और वो फुल ब्लडी वोमिट होती है, सिर्फ ब्लड होता है वहाँ पर, जिसे देख के सारे शौक हो जाते हैं। और फिर ना जो जान होता है वो भी वहीं अनकॉन्शियस हो जाए, जिसे देख के ईबो डर जाता है और उसको फिर डॉक्टर के पास लेके जाता है। और ना डॉक्टर उसको चेक करते हैं, कहते हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से इनके साथ ये हुए हैं, ये इनका मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा और इसके और इनके उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ब्रूजेस है, चोटें हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह हुए हैं। तो फिर ना जो ईबो होता है वो ऐसे चुप करके सिर्फ सुन खड़ा होता है और फिर कहते हैं घबराने की बात नहीं है, बट ये ज़्यादा अच्छे साइंस भी नहीं, अगर ऐसे चलता रहा तो इनका और भी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो फिर ना जो ये बताओ वो अभी भी कुछ नहीं कहता। और फिर ना उसके बाद फिर 2 आवर्स बाद जान को होश आ जाता है, तो ईबो कुछ अभी भी नहीं बोल रहा था। और जान को ना ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसके बाद उसको कार में बिठाता है और अपने साथ घर ले जाता है। और जो इस टाइम पीरियड में जो जान होता वो भी एक लफ्ज़ नहीं बोलता और उसको जाके ना उसके बेड पे लेटा देते हैं जान को और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर ऐसे ही 1 वीक का टाइम गुजरता है और इस 1 वीक में किसी ने भी जान को बुली नहीं किया होता, क्योंकि ये सख्त इंस्ट्रक्शन थे ईबो की तरफ से। और ईबो ना अभी सब उसको थोड़ा बहुत हर्ट करता था, उसको फुली ये नहीं होने देता था कि कोई और नहीं करेगा, मतलब उसको हर्ट नहीं किया जाए, बस ज़्यादा नहीं करता था, बातें बोलता था, एक दो हल्का सा स्लैप कर देता, मतलब इस तरह ज़्यादा नहीं करता था, बट उसको दिख रहा था कि वो गलत कर रहा है। फिर उसको ना फिर अपने ना पेरेंट्स का बदला याद आ जाता है, फिर वो कहते हैं नहीं इस पर उसका क्या कसूर है। और यहीं पर वेंशु ये चीज़ नोटिस कर रहा था, तो वो ना अब हर टाइम ना उसके साथ रहने लग गया था।
ईवो के साथ, और उसको समझाता कि ना ईजान ने तुम्हारे पेरेंट्स को छीन लिया, ये करता वो करता, क्योंकि उसको ज़्यादा क्लियर उसको भी नहीं पता था, बस जितना उसने ईवो से सुना होता तो वही पता है उसको बार बार बोल के गुस्सा दिलाता है। और हम देखते हैं 2 डेज बाद का सीन जहाँ पे होने वाली है पार्टी, कॉलेज पार्टी, जो आई थिंक सबकी लाइफ बदलने वाली है, खास तौर पर हमारे ईजान की। तो हम देखते हैं कि जो ईवो है वो रेडी हो रहा है पार्टी के लिए, और फिर वहाँ पे ईजान आया है, और फिर ईजान बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फिर ना वहाँ से ना वो गुजर रहा था फिर ना, और जो ईवो होता है वो अपनी टाई सेट कर रहा होता है, और वो काउच के पास खड़ा होता है लंच में। तो फिर ना वो ईजान को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और कहते हैं ईजान रुको यहीं पे। तो फिर ना ईजान रुक जाता है और फिर ना पीछे मुड़ता है और ना ईवो की तरफ देखता है, और ईवो की तरफ देखते रह जाता है। फिर वो अपनी सेंसेस में आता है कि वो कर क्या रहा है, और फिर ना ईवो भी गुस्सा करने लग जाएगा, तो वो अपने फ़ौरन ही सर झुका लेता है। और ईवो ये सारी चीज़ें उसके सारे मोमेंट्स नोटिस कर रहा है, बट कुछ कहता नहीं है। और फिर ईजान को कहता है कि ना हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। तो फिर ईजान कहता है बट हम तो कभी वही सर बोलते। तो फिर कहते हैं ईजान आई सेड वी विल गो टू बेयर। तो फिर ना जो ईजान होता है वो चुका जाता है, और फिर उसके बाद जो ईवो होता है वो ईजान का हाथ पकड़ता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और ईजान शौक होता है कि ईवो ऐसा क्यों कर रहा है, और इधर जो ईवो है वो एक कुछ सोच रहा है, और फिर कहते कि ना मैं ये करूँगा क्योंकि मुझे अपना बदला लेना, और मैं करता ही रहूँगा जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, और आई थिंक ये कभी बदला पूरा नहीं होगा। जिस तरह तुमने मुझे मेरे पेरेंट्स से दूर रखा, अब देखो मैं तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हें फुल डिस्ट्रॉय करूँगा, तो मैं हमेशा रोज़ाना ऐसा दर्द दूंगा जिससे तुम उभर ही ना सको। बट वो नहीं जानता था कि वो क्या करने जा रहा है, क्या सीन करने जा रहा है, जिससे उसको खुद भी आगे चल के बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। तो अब हम देखते हैं पार्टी का सीन जहाँ पे जो मेन शो होता है वो कह रहा होता है बस आज का दिन, आज का दिन मैंने जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल होगा, और देखो आज के दिन तो मेरे हो जाओगे शौजान, इस तरह बोलते हैं। और फिर ना एक ड्रिंक की तरफ देखता है और फिर कहता है बस कुछ टाइम और उसके बाद तुम और मैं और ये नाइट, और तो फिर ना एक टर्टली से स्मैक करता है। और अब हम देखते हैं हमारे ईजान का सीन जो कि वहाँ पहुँची है, और सब उसकी तरफ देख रहे हैं ईजान की तरफ, क्योंकि ईजान हमेशा सिंपल में रहता था, लेकिन उस दिन वो काफ़ी तैयार हुआ था और काफ़ी डैशिंग भी लग रहा था, लेकिन जो लेकिन कुछ होते हैं ना, हम कहते हैं कि अगर कुछ लोग ब्यूटी को ना देखे, हमने जेलसी में भी काफ़ी लोगों को हर्ट कर जाते, तो बस वो ईजान को इस तरह देखते। और फिर ना काफ़ी उसमें ये भी थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स को देख रहे थे, कुछ लोग कपल्स की वो ईजान की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो रहे थे, उनको गुस्सा रहे थे, जिसकी वजह से वो ईजान के पास जैसे आते। और फिर ना ईजान के ना फ़ौरन ही फेस को ना एक पर्सन आता है और उसको ना जॉ का टाइटली पकड़ देता है, और ये सब ईवो देख रहे होते लेकिन कुछ कहता नहीं। और फिर ईजान को ये देखे हर्ट होता है तो वो भी कुछ नहीं बोलता, और जो पर्सन है वो ईजान के पास आता और कहते हैं वाह बड़ा ब्यूटी, क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे, तो तुम तो वैसे एक स्लट हो ना, तो तुम्हें क्या मसला होगा। तो फिर ईजान उसका हाथ छोड़ने की कोशिश करता है, तो ईवो कहता है ईजान अच्छी ऑफर है, तुम्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए, और इस तरह कह के ना ईजान के